Many times we don't realize that we become the cause of pain to others. हमारे रिश्तों में हमको कई बार पता नहीं लगता कि हमारे अनजाने में बोलते बोलते कुछ कहते कहते कुछ करते करते दूसरों को कितनी चोट पहुंचती है. आप में से कितने लोगों ने पिछले हफ्ते में झगड़ा किया है, हाथ उठाओ. अच्छा, पिछले दो हफ्तों में, पिछले एक महीने में, पिछले एक साल में. अच्छा, जिन्होंने झगड़ा नहीं किया, कलयुग में क्या कर रहे हैं आप लोग? कलयुग के कहाँ है? ऐसा लग रहा है जैसे अब सतयुग वाले लोग हैं, झगड़ा ही नहीं. टेल यू व्हाट, गुड रिलेशनशिप्स इज हार्ड वर्क. गुड मैरिजेस डोंट हैपन. गुड मैरिजेस नीड टू बी वर्कड अपॉन. रिश्तों में काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो रिश्ते गहरे होते हैं और तभी वो रिश्ते अच्छी तरह से चलते हैं. I'll tell you what, we will always have some complaints, we will always have some issues, we will always have some problems. Life, nature of life, अनबन रहेगी, झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना. You know what, a perfect partner, a perfect partner is one who does not argue, who does not fight, who does not complain, who does not crave, and who does not exist. ऐसा कोई perfect partner exist होता ही नहीं. जैसे एक लड़की गई पंडित जी के पास और बोली, पंडित जी शादी करना चाहती हूँ. ऐसे लड़के को क्या बोलते हैं जो handsome हो, पैसे वाला हो, एजुकेटेड हो, बहुत रोमांटिक हो, घर का काम करे, बच्चों को भी संभाले, शॉपिंग के लिए भी पैसा दे, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं पंडित जी? पंडित जी ने कहा, मन का वहम कहते हैं बेटे ऐसे लड़की को. मन का वहम होता है वो. इज देयर एनीबडी हु इज परफेक्ट? नोबडी इज परफेक्ट. योर फादर इज नॉट परफेक्ट. यू कैन रिस्पेक्ट हिम बट इज नॉट परफेक्ट. Your mother is not perfect. You can respect her, but she is not perfect. Your brothers, sisters, they are not perfect. Your husband, wife, to be husband, to be wife, girlfriend, boyfriend, son, daughter, not perfect. Even gurus, not perfect. And when we talk about imperfection,